हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ। क्लास ट्वेल्थ की हमारे पास एक्सरसाइज है 6.2। 6.2 में हमारे पास फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में हमें दिया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे पहले इसके बारे में, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है और डिक्रीजिंग क्या है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस, लेट एफ बी ए फंक्शन। एफ हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, डिफाइन ऑन एन इंटरवल आई, जो कि एक इंटरवल आई पर हमारे पास डिफाइन है। एंड लेट एक्स वन एंड एक्स टू बी एनी टू पॉइंट्स इन आई इंटरवल। इंटरवल के अंदर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट एक्स वन है, एक पॉइंट एक्स टू है, देन एफ इज सेड टू बी। तो हम एफ को क्या बोलेंगे, फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे ऑन इंटरवल। इंटरवल पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे फंक्शन को कब बोलेंगे, इफ़ अगर हमारे पास x1 है वो हमारे पास क्या होगा, लेस देन x2 होगा। इफ x1 लेस देन x2, इट इम्प्लाइज f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। अगर हमारे पास x1 जो है वो छोटा है किससे, x2 से, और फंक्शन के अंदर जब हम x1 को अप्लाई कर रहे हैं तब भी वो f ऑफ फंक्शन ऑफ x2 से छोटा आता है, तो हम क्या बोल देंगे, फंक्शन कैसा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, अब ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, फिर आया इंक्रीजिंग किस इंटरवल पर, ऑन इंटरवल पर। इफ ऑफ f ऑफ x1 लेस देन x2, इट इम्प्लाइज f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, कि वो लेस देन भी हो सकता है और वो उसके इक्वल भी हो सकता है। अगर वो इक्वल और लेस देन में आ जाता है तो हम उसको फंक्शन को क्या बोल देंगे, फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। थर्ड है हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ऑन इंटरवल। इंटरवल पर इफ अगर एक्स वन लेस देन एक्स टू है बट एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू आ जाता है, कि एक्स वन और एक्स टू तो हमारे पास लेस देन के फंक्शन है, लेकिन जब हम फंक्शन में उसको अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एफ ऑफ एक्स वन है वो ग्रेटर देन आ जाता है एफ ऑफ एक्स टू से। फोर्थ है हमारे पास डिक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा ऑन इंटरवल आई पर। इफ एक्स वन लेस देन एक्स टू है एंड बट एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन या इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू आ जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे, डिक्रीजिंग। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्स्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर हमारे पास एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है फॉर ऑल एक्स इन एन इंटरवल आई, और जो एक्स है वो कहाँ बिलोंग करता है, इंटरवल आई पर, देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल आई। तो हम क्या बोल देंगे, जो एफ एक्स है, जो फंक्शन है हमारा, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किस पर, इंटरवल आई पर। If एफ एक्स एफ डैश एक्स है ग्रेटर देन या इज इक्वल टू ज़ीरो, अब इसमें तो क्या था, ग्रेटर देन ज़ीरो, इसमें ग्रेटर देन या इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स, देन फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीजिंग हो जाएगा। थर्ड है एफ डैश एक्स लेस देन इज इक्वल लेस देन ज़ीरो, अगर फंक्शन लेस देन ज़ीरो आ जाता है एफ डैश एक्स, तो फंक्शन कैसा आ जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाएगा इस इंटरवल पर। और फोर्थ हमारे पास है इफ़ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन या इज इक्वल टू ज़ीरो, कि जो हमारे पास सॉरी लेस देन या इक्वल टू ज़ीरो एफ डैश एक्स है वो लेस देन या इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, तो ऑल एक्स हैं वो इंटरवल आई के अंदर, द फंक्शन हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग हो जाएगा। फंक्शन किस पर है, इंटरवल आई पर। ये थी हमारे पास इसके टेस्ट करने के लिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। अब इसी के बेस्ड हमारे पास है एक्सरसाइज। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किस पर, r पर, r मीन्स रियल नंबर। अब इसका डेरिवेटिव निकाल के दिखाते हैं हम। देखो एफ एक्स हमारे पास कितना है, 3x प्लस 17, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, डैश एक्स डेरिवेटिव है, 3x का क्या आ जाएगा 3, और x का हमारे पास 1 हो गया, 17 का 0 हो गया, तो कि 3 बन जाए 3। अब जो 3 है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कि x की वैल्यू है वो चाहे हमारे पास नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, बट ये हमेशा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। और जब हमारे पास ग्रेटर देन 0 है फंक्शन f डैश x, तो हम क्या बोल देंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, की जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन r रियल नंबर पर। क्वेश्चन नंबर टू,
शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x इज स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन r. एफ एक्स हमारे पास है e की पावर 2x, एफ डैश एक्स निकाला e की पावर 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x, e की पावर 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, 2 टाइम्स ऑफ e की पावर 2x. अगर e की पावर 2x है वो नेगेटिव कभी हो नहीं सकती, हमेशा पॉजिटिव होगी. अगर पॉजिटिव होगी तो 2 के मल्टीपल्स में आ जाएगा, 2 के मल्टीपल्स में आ गया तो हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो क्या आ जाएगा 2e की पावर 2x ग्रेटर देन 0. पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और जितने भी हमारे पास r से बिलोंग करता है x की वैल्यू कुछ भी होगी चाहे हमारे पास, हमेशा वैल्यू क्या देगा पॉजिटिव. पॉजिटिव तो 0 से बड़ी है तो क्या बोल देंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई 2. ये प्रूव करना है ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फंक्शन 0 से पाई बाई 2 के लिए. एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ डैश एक्स निकाल दिया कोस एक्स आ गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोश एक्स, और कोस एक्स है वो हमारे पास क्या है क्योंकि हमें इंटरवल के अंदर देखना है, इंटरवल तो हमारे पास क्या है यहाँ से तो हमने चेक कर लिया कि कोस एक्स है वो क्या है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है. आइदर कहाँ से कहाँ तक है 0 से पाई बाई 2, पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा होगा. ये कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाई 2 तक, तो अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो क्या आ जाएगा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. सेकेंड है एफ डैश एक्स, अब सेकेंड में हमें क्या दिखाना है स्ट्रिक्टली डिक्रीज दिखाना है पाई बाई 2 से पाई. एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है कोस एक्स, कोस एक्स लेस देन 0 आएगा क्यों सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो 0 से छोटा है तो क्या लिख देंगे लेस देन 0. आइदर नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट इन पाई बाई 2 से पाई, और अगर नेगेटिव है लेस देन 0 है तो क्या आ जाएगा फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस पर ऑन इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई. थर्ड हमारे पास क्या नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई, सिंस एफ डैश एक्स कोस एक्स है वो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब देखो ये क्या आ गया हमारे पास 0 से लेके पाई बाई 2 तक, यहाँ बताना है हमें फंक्शन कैसा है. अब इसके अंदर तो हमारे पास कैसा है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट इसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और अगर हम इन दोनों में मिक्स करके चल रहे हैं 0 से पाई तक तो हमारे पास ना तो ये बोल सकते हो ओपन कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज है पूरा का पूरा फंक्शन या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज है, कुछ में इंक्रीज है कुछ में डिक्रीज है, तो क्या बोल देंगे हम एफ डैश एक्स डज नॉट हैव द सेम साइन इन द इंटरवल 0 टू पाई. सेम साइन नहीं है कि 0 से लेके पाई तक कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है, सो एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई, तो इसलिए हम फंक्शन को क्या बोल देंगे ना ही फंक्शन इंक्रीज है और ना ही फंक्शन डिक्रीज है 0 से लेके पाई बाई पाई तक. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 3x इज, हमारे पास फंक्शन दे रखा है 2x² - 3x. फर्स्ट में हमें प्रूव करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड सेकेंड में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका वो बना x की वैल्यू निकालेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 3x. सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं, एफ डैश एक्स आ जाएगा, 2 स्केयर है स्केयर आगे आ जाएगा, 2 टू जाएगा 4x माइनस एक्स का 1 हो गया तो क्या आया 3. इसको 1 रख लिया, फिर 4x माइनस 3 इज इक्वल टू किसके रख दिया 0 के, x की वैल्यू आ जाएगी 3/4. अब x की वैल्यू हमारे पास 3/4 आ गई, सो वी हैव टू डिसजॉइंट सब इंटरवल, तो हमारे पास दो इंटरवल बनेंगे. एक तो क्या बनेगा माइनस इन्फिनेटिव से 3/4 तक, और दूसरा क्या बनेगा 3/4 से इन्फिनेटिव तक. एक हमारे पास माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव तक हमारे पास सभी क्या है रियल नंबर है, तो इसलिए हमें क्या देखना माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव तक इंटरवल बनाना है. तो एक तो क्या बनना है माइनस इन्फिनेटिव से 3/4, और दूसरा क्या बनेगा 3/4 से इन्फिनेटिव. अब फर्स्ट हमारे पास फॉर इंटरवल 3/4 टू इन्फिनेटिव, सबसे पहले हमने क्या ले लिया 3/4 से इन्फिनेटिव तक. इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट समथिंग आता है और इन्फिनेटिव, इनके बीच की वैल्यू हमने क्या ले ली टेकिंग 1 हमने ले लिया. 1 जब हमने एफ डैश एक्स के अंदर पुट किया, 1 की वैल्यू पुट कर देंगे 4 में से 3 जाएगा 1 हमारे पास कैसा आएगा ग्रेटर देन 0, तो क्या बोल देंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0. सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 3/4 टू इन्फिनेटिव. दूसरा इंटरवल हमारे पास क्या है फॉर इंटरवल माइनस इन्फिनेटिव टू 3/4. अब माइनस इन्फिनेट 3/4 से नीचे, 3/4 हमारे पास से 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है, उससे भी नीचे हमने वैल्यू ले ली 0.5.
अगर हमने इसकी वैल्यू 0.5 ले ली तो हमारे पास एफ डैश एक्स कैसा आ जाएगा, जब 0.5 की बजाय माइनस वन भी ले सकते हैं, माइनस वन हमने इसके अंदर अप्लाई किया, माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सेवन माइनस आ गया, तो क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, की जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन जीरो है, नेगेटिव है तो लेस देन जीरो है, तो क्या बोल देंगे, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरवल इन विच आर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ - 3x² - 36x + 7 इज, हमें एक फंक्शन दे रखा है वो इंटरवल पर बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद हम उसके पॉइंट्स निकालेंगे रूट निकाल के। एफ एक्स हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है, एफ डैश एक्स निकालना, 2 3 = 6x² - 3 2 = 6x - 36। अब हम इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा x² - x - 6। इक्वेशन फर्स्ट रख दी, फिर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो 6x² - x - 6 इज इक्वल टू 0, 6 एज इट इज, इसका अगर हमने फैक्टर बनाया था x + 2 × x - 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, 6 को इधर लेके जाएंगे 0 हो जाएगा, इसको इधर लेके आए, अब x + 2 इज इक्वल टू 0 और x - 3 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हम इंटरवल क्या बनाना है, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव के बीच में देखो, माइनस इन्फिनिटिव से -2 तक हो जाएगा, दूसरा क्या आएगा -2 से 3 आ जाएगा, और थर्ड क्या आएगा 3 से इन्फिनिटिव। जब हमारे पास दो पॉइंट हैं तो हमारे पास इंटरवल 3 बनेंगे, अगर हमारे पास एक पॉइंट है तो इंटरवल 2 बनेंगे। देखो अब इंटरवल 3 है हमारे पास, तीनों इंटरवल पे हमें बताना है किस पे इंक्रीजिंग है किस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फॉर इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल ले लिया माइनस इन्फिनिटिव टू माइनस 2, इन दोनों के बीच की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, -3 अप्लाई किया, एफ डैश एक्स 6, अब इसके अंदर अप्लाई कर देंगे -3 + 2 - 3 - 3, -3 + 2 क्या आएगा -1 आ जाएगा, और ये -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 = 36 पॉजिटिव आया, पॉजिटिव है तो क्या बोल देंगे 0 से बड़ा है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटिव टू माइनस 2, हमारे पास फंक्शन इंक्रीज हो गया फॉर इंटरवल। अब सेकेंड इंटरवल हमारे पास क्या है, -2 से 3, टेकिंग x इज इक्वल टू 2 वैल्यू लेके चल पड़े इन इक्वेशन के अंदर, 6 2 + 2 और 2 - 3 2 2 + 2 4 आ जाएगा, और 3 2 - 3 - 1, 6 4 = 24 नेगेटिव आ गया, तो क्या बोल देंगे f डैश x लेस देन 0, कि लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो जाएगा, किस इंटरवल पर, -2 to 3। फॉर इंटरवल, थर्ड इंटरवल है 3 to infinitive, टेकिंग x इज इक्वल टू 4, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, जब एफ डैश एक्स अप्लाई करेंगे 3 से इन्फिनिटिव तक, जब 4 अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 + 2 कितना आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा, और 4 - 3 ये भी पॉजिटिव आएगा, पूरा पॉजिटिव आ जाएगा, तो फंक्शन क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 3 to infinitive। तो a के अंदर हमारे पास क्या आया, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहाँ पर इंक्रीजिंग है, -infinitive to -2 और 3 to infinitive। दूसरा क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज बताना था, इन किस पर, -2 to 3 के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेम है हमारे पास, फंक्शंस हैं उनको स्ट्रिक्टली इंक्रीज और डिक्रीज बताना है इंटरवल पर। एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2x - 5, एफ डैश एक्स निकाल देंगे आगे आ जाएगा 2x + 2 हो जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा x + 1, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, फिर इसको इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 2 उधर आएगा 0 हो जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर लेके आई -1, एक्स की वैल्यू हमारे पास -1 है, सो वी हैव 2 sub-interval, अगर एक वैल्यू तो हमारे पास 2 sub-interval बनेंगे, क्या क्या, -infinitive to -1 and -1 to infinitive। फर्स्ट हमारे पास इंटरवल क्या ले लिया, 4 interval, -infinitive to -1, -2 वैल्यू ले ली इनके बीच की, टेकिंग x इज इक्वल टू -2, एफ डैश एक्स में हमने अप्लाई किया 2 - 2 + 1 - 2 + 1 - 1, और -1 और 2 की मल्टीप्लाई नेगेटिव, नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
फॉर इंटरवल माइनस वन टू इन्फिनेटिव। हमारे पास इंटरवल ले लिया हमने माइनस वन टू इन्फिनेटिव, x की वैल्यू इसके बीच की हमने क्या रख दी, ज़ीरो। अगर ज़ीरो रख देंगे तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, टू, ज़ीरो प्लस वन, ज़ीरो प्लस वन वन, वन और टू की मल्टीप्लाई टू, टू पॉजिटिव है तो क्या बोल देंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, और ग्रेटर देन ज़ीरो है तो क्या बोल देंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन सिक्स का सेकेंड, 10 माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन दे रखा है, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, 10 का 0 हो जाएगा, इसका माइनस सिक्स और माइनस टू, टू जहाँ फोर एक्स है, दोनों में से हमने माइनस टू कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसको इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, माइनस टू को इधर लेके आए ज़ीरो हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू टू को इधर लेके, थ्री को इधर लेके आए माइनस थ्री, और डिवाइडेड बाय टू, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, माइनस थ्री बाई टू। अब इंटरवल बनाएंगे हम कहाँ से कहाँ तक होगा, दो सब इंटरवल होंगे, अगर वन पॉइंट है तो टू सब इंटरवल्स क्या आएंगे, माइनस इन्फिनेटिव टू माइनस थ्री बाई टू एंड माइनस थ्री बाई टू टू इन्फिनेटिव। फॉर इंटरवल माइनस इन्फिनेटिव टू माइनस थ्री बाई टू, टेकिंग x इज इक्वल टू माइनस टू वैल्यू ले ली, क्योंकि हमने इसको अप्लाई किया तो क्या आया, माइनस वन पॉइंट फाइव, इनके बीच की वैल्यू हमने माइनस टू ली, माइनस टू अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टू थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई माइनस टू प्लस थ्री, टू टू जै फोर, माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन, माइनस वन और टू की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट है फॉर इंटरवल माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, अब टेकिंग x इज इक्वल टू माइनस वन लिया, माइनस वन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू इंटू टू मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस थ्री, टू वन जाए टू, माइनस का टू है प्लस थ्री, थ्री में से टू जाएगा वन, वन की और टू की माइनस आ जाएगी तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है तो फंक्शन क्या आ जाएगा, लेस देन ज़ीरो, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल माइनस थ्री बाई टू टू इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस वन, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, थ्री आ गया जगह, थ्री टू जहाँ माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन, टू जहाँ एटीन एक्स और माइनस ट्वेल्व, पूरे में से माइनस सिक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स, थ्री जहाँ एटीन, थ्री एक्स प्लस टू। अब इसको एज इट इज रख लिया माइनस सिक्स, उसके हमने फैक्टर बनाए एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, इसको इक्वेशन नंबर वन नाम दिया। अब इसको इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर लेंगे, ये हमारे पास इधर आएगा ज़ीरो हो जाएगा, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू। पॉइंट्स हमारे पास दो आए हैं तो हमारे पास इंटरवल तीन आएंगे तो क्या लिखेंगे, सो वी हैव थ्री इंटरवल्स माइनस इन्फिनेटिव टू माइनस टू, क्यों, क्योंकि हमारे पास पहले माइनस टू आएगा उसके बाद माइनस वन आएगा, तो हमें क्या देखना है, ये हमारे पास इंटरवल होता है इधर से जब हम स्टार्ट हुआ माइनस इन्फिनेटिव माइनस टू माइनस वन ज़ीरो इधर इन्फिनेटिव, तो माइनस टू इन्फिनेटिव से क्या आएगा, माइनस टू, तो क्या आया, माइनस इन्फिनेटिव से माइनस टू, फिर माइनस टू से माइनस वन आ जाएगा और माइनस वन से इन्फिनेटिव। ये तीन इंटरवल्स हैं, तीनों पे चेक करना है हमें। फॉर इंटरवल माइनस इन्फिनेटिव टू माइनस टू अप्लाई करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग x इज इक्वल टू माइनस थ्री ले लिया, इनके बीच की वैल्यू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस थ्री प्लस वन माइनस थ्री प्लस टू, अब ये आ जाएगा माइनस टू, ये आ जाएगा माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस, थ्री टाइम्स माइनस आए तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर हम सेकेंड इंटरवल लेंगे माइनस टू माइनस वन के बीच में, फॉर इंटरवल माइनस टू माइनस वन, इन दोनों के बीच की वैल्यू हमने क्या ले ली, x इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस थ्री बाई टू प्लस वन माइनस थ्री बाई टू प्लस टू आ जाएगा माइनस सिक्स, इसमें से कर देंगे माइनस वन बाई टू, इसको सॉल्व करेंगे वन बाई टू, अब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, और ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फंक्शन क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फॉर इंटरवल थर्ड इंटरवल हमारे पास है माइनस वन टू इन्फिनेटिव, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अप्लाई कर देंगे, टेकिंग x इज इक्वल टू वन माइनस सिक्स वन प्लस वन वन प्लस टू, अब ये दोनों पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो है तो बोल देंगे सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स माइनस नाइन एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, अप्लाई कर दिया हमने एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सिक्स, सिक्स का ज़ीरो हो जाएगा, माइनस नाइन एक्स का माइनस नाइन,
माइनस टू एक्स, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। नाउ माइनस टू एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस नाइन बाई टू। अब हमारे पास एक वैल्यू आई तो इंटरवल टू होंगे हमारे पास, देर फॉर वी हैव टू डिसजॉइंट इंटरवल माइनस इन्फिनिटिव टू माइनस टू और माइनस नाइन बाई टू टू इन्फिनिटिव। फॉर फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल क्या है माइनस इन्फिनिटिव टू माइनस नाइन बाई टू। अब इन दोनों के बीच की वैल्यू ले लेंगे, क्या आ जाएगा टू फोर, जब फोर पॉइंट समथिंग है, माइनस इन्फिनिटिव और फोर पॉइंट समथिंग के बीच की वैल्यू माइनस फाइव या माइनस सिक्स ले लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस सिक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस नाइन माइनस टू एंड माइनस सिक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सिक्स टू जाए ट्वेल्व, ट्वेल्व में से नाइन जाएगा थ्री, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फॉर इंटरवल माइनस नाइन बाई टू टू इन्फिनिटिव, अब अप्लाई करेंगे इनके बीच की वैल्यू, हमने जीरो पुट कर ली, जीरो पुट कर लेंगे तो जीरो, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा तो क्या बोलेंगे एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, लेस देन जीरो है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन क्यूब इंटू एक्स माइनस थ्री क्यूब। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन क्यूब इंटू, अब यू इंटू वी लगाएंगे फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का करेंगे पावर आगे आ जाएगी एक्स माइनस थ्री का स्केयर, एक्स का क्या हो जाएगा वन, प्लस इसको एज इट इज रख लेंगे इंटू इसका करेंगे पहले थ्री पावर आगे आ जाएगी एक्स प्लस वन का स्केयर हो जाएगा और एक्स का क्या हो जाएगा वन। अब इसको सोल्व, इसमें से कॉमन ले लेंगे, दोनों में क्या है, एक तो दोनों में थ्री आ गया, एक एक्स प्लस वन का स्केयर आ जाएगा और एक एक्स माइनस थ्री का स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्यूब था, ये टू पावर बाहर आ जाएगी, वन पावर बचेगी एक्स प्लस वन, प्लस इसमें हमारे पास क्या बचेगा एक्स माइनस थ्री की पावर थ्री थी, टू पावर बाहर गई तो एक्स माइनस थ्री बचेगा, एक्स एक्स कितना आ जाएगा टू एक्स और थ्री में से बन जाएगा माइनस टू, ये हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें से टू कॉमन ले लेंगे, टू थ्री जा सिक्स, एक्स प्लस वन स्केयर, एक्स माइनस थ्री स्केयर और एक्स माइनस वन। अब हमारे पास फैक्टर आ गए एक्स प्लस वन स्केयर एंड एक्स माइनस थ्री स्केयर आर नॉन नेगेटिव, ये हमारे पास दोनों नेगेटिव फंक्शन नहीं फॉर ऑल एक्स, वो सभी एक्स के लिए हमारे पास कैसे हैं नॉन नेगेटिव फंक्शंस हैं क्योंकि इनका स्केयर है एक्स प्लस वन का स्केयर, तो ये हमारे पास पॉजिटिव रहेंगे, सो एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज रहेगा, एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, एक्स माइनस वन थर्ड हमारे पास क्या एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी, वो भी हमारे पास क्या रहेगा ग्रेटर देन रहेगा, तो एक्स हमारे पास क्या है ग्रेटर देन वन, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, एक्स माइनस वन लेस देन जीरो एंड एफ एक्स है वो हमारे पास क्या आ जाएगा इधर लेके आएंगे एक्स लेस देन जीरो, हैंस एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किस इंटरवल पर वन टू इन्फिनेटिव के लिए एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा माइनस इन्फिनेटिव टू वन के लिए, ये भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनेटिव टू वन और वन टू इन्फिनेटिव। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके थैंक यू।